किन्नर के भेष में तीन महिलाओं ने बीते दिनों डॉक्टर गंगा सिंह की पत्नी के साथ था उसके घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से मऊ पुलिस से सतर्क हुई और कचारी मोड़ पर उक्त बोलेरो सहित ड्राइवर को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बीच नगर क्षेत्र अधिकारी प्रभारी दिनेश दत्त मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। दिनांक 4/11/2024 को प्रातः 9 बजे गंगा सागर सिंह पुत्र कमलाकर सिंह निवासी गाजीपुर तिराहा के यहाँ एक बोलेरो में कुछ महिलाएं जो किन्नर भेष में आई तथा नेक मांगने के बहाने उनके घर में घुस गई, जो इनकी पत्नी के गले से व कान से कुछ जेवरात छीन ले गई। इस संबंध में थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 370/24 धारा 309(4), 333, 317(2) व 3/5 BNS पंजीकृत हुआ, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमें गठित की गई थी। दिनांक 9/11/2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा पता चला कि न्यायालय कचहरी तिराहे के पास वही बोलेरो जो पहले ही CCTV आदि से विस्तृत प्रकाश में आया था खड़ी हुई है, जिसमें महिलाएं बैठी हुई हैं, यदि जल्दी किया जाए तो मिल सकती है। तत्काल मौके पर पहुंच करके समय करीब 4 बजे उसको पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो पुतुल उर्फ खुशबून, निकुरी उर्फ राजरा, सफरीना पत्नी तस्लीम व ड्राइवर अफजाल अंसारी पुत्र सलाम पकड़े गए। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि मैंने ये घटना को कैद किया था। उनके कब्जे से लूटा हुआ जेवरात व पैसा बरामद हुआ है, जिनको ला करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर जानले भेजा जाएगा। ये कहां रहने वाले हैं? ये सब गाजीपुर के रहने वाले हैं तथा इन्होंने गाजीपुर में भी यह घटना किया था। सिधारी में कितनी महिलाएं थी सर? ये 3 महिलाएं थी, एक ड्राइवर थे, कुल टोटल 4 लोग थे।